आपको बताया अब इस बेडरूम में करवाऊंगा सीलिंग। तो गाइस ये मेरा नीचे वाला बेडरूम है, एक मेरे ऊपर बेडरूम है, तो उधर बाद में करवाएंगे, पहले इस बेडरूम में सीलिंग करवाऊंगा पूरी। तो ये देख लो गाइस, ये लगा हुआ है अलमारा वगैरह, तो सारा इसी के साथ में करवाएंगे, कलर जो इसके साथ मैच हो जाए। तो गाइस आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा बनता हुआ दिखाएंगे, फिर आपको लास्ट में क्लिप पूरी दिखाऊंगा मैं। तो देख लो गाइस पूरा लगाते हैं, तो मैं आपको पूरा साथ साथ में दिखाऊंगा। तो ये दीवारें देख लो, अभी ये है तो यहाँ पे मेरा अलमारा ये आ जाएगा, तो इस साइड दीवार ये है, बाहर लॉबी है। तो गाइस लॉबी में भी करवाएंगे पर बाद में करवाएंगे, पहले इस रूम की बारी है। तो ये दिखा देता हूँ आपको पूरा, तो इसी के साथ मैचिंग करवाएंगे क्योंकि अलग हो जाएगा फिर देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जो पैनलिंग करवाएंगे इसी के मतलब इसी के साथ करवाएंगे, मतलब जो इसके साथ थोड़ा मिल जाए। तो गाइस तो मिस्त्री ने कर लिया वो वाला रूम फाइनल, तो अब आएंगे इस रूम में, तो फिर आपको दिखाता हूँ पूरा। तो ये आ चुके हैं मेरे मिस्त्री जी, हाय कर दो भाई। तो गाइस ये आ चुके हैं मेरे मिस्त्री जी, अब बोल रहे हैं यहाँ पे करेंगे हम, तो वो आ रहे हैं लेके। ओ इधर हाय कर दे भाई सबको। हाँ ये देख ले मिस्त्री, क्या नाम है तेरा? हाँ सामान सारा अब इस रूम में करने लगे स्टार्टिंग हम। तो जब स्टार्टिंग करते हैं आपको साथ साथ में दिखाएंगे, तो फिर करेंगे पूरा दिखाएंगे आपको सारा। अब ठीक है और करना आगे पीछे। अब तो आ जाएगा ना। हाँ हम इस जो बेडरूम आपको दिखाया उसमें हम ये कलर लगाएंगे, दिखाना कलर भाई। तो एक हम कलर ये लगाएंगे गाइस, गोल्डन कलर लगाएंगे, और उसके साथ हम ये चॉकलेट कलर लगाएंगे, दोनों प्रिंट है, इसका कंट्रास्ट रहेगा, तो हमारा जो लमारा वगैरह लगा है उसके साथ पूरा मैचिंग हो जाएगा। तो ये कलर है उनके लिए, फिर दिखाते हैं जब भी वो लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको सारा। गाइस इस रूम का काम स्टार्ट हो गया, लगे हैं मेरे मिस्त्री काम करने। लगेगी एक को हो गया ये, एक को सारा हो गया ये, अभी ये वाली लगेगी सामने वाली। हमने इसके साथ कंट्रास्ट ये किया, पहले हम लगा रहे थे एक फट्टा ये एक फट्टा वो, तो मिस्त्री बोल रहा नहीं ये एक पूरी पूरी दीवार अच्छी लगेगी, तो हमने इसके साथ ये गोल्डन के साथ हमने ये चॉकलेट का कंट्रास्ट किया है। जब पूरा लगता है तो गाइस फिर आपको पूरा दिखाता हूँ मैं कि कैसा लगता है, लगने के बाद कैसी लुक लगती है इसकी, पूरा दिखाऊंगा आपको लाइट जला के पूरा। आ गया हमारा लल्लन टॉप, हाँ लल्लन टॉप है ये हमारा, ये देखो लारा शीट लल्लन टॉप हमारा, कितना अच्छा कंट्रास्ट आ रहा है इन दोनों का, ये लाइट कलर आ गया ये डार्क आ गया, तो इसके साथ इसका कंट्रास्ट करेंगे। तो इस दीवार पे सोचेंगे लाइन बाई लाइन लगा लेंगे मिस्त्री बोर्ड में, तो वो उसको पूछेंगे जैसे वो बोलेगा वैसे लगाएंगे, क्योंकि इनको ज्यादा पता होता है हमसे, ये लगाते रहते हैं लोगों के घर में, तो वैसे अच्छा कंट्रास्ट बन रहा है। ये देखो अलमारा के साथ पूरा मैच भी हो गया, पूरा दिखाऊंगा आपको एंड में, पूरा कमरा दिखाऊंगा, एक एक दीवार आपको सारी दिखाऊंगा मैं। अच्छा डिजाइन बना के दे रहे हैं, ये बोलता है ये पिलर लगाओ इसमें लाइट लगानी है हमने, तो भाई कोई बात नहीं लगाते हैं, ये लगा दिया इन्होंने अपने डिजाइन का। इस रूम में हमने वो डिजाइन तो सीलिंग करवानी नहीं है, तो उसकी जगह ये छोटा सा कोई डिज़ाइन बना के दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पीओपी रखी है, तो मम्मा बोल रही है यहाँ पे पीओपी रहने देनी है। गाइस वो लग रही है हमारी सीट, वो अब इस जगह में हम एक फट्टा एक वो लगाया है। हमारा रूम रेडी हो चुका है, तो आपको दिखाते हैं पूरा रूम। ये देखो गाइस हमारा रूम पूरा रेडी हो चुका है गाइस, तो ये हमने मैं आपको पास से दिखाता हूँ गाइस, तो ये हमने थोड़ा गोल्डन में लगाया, ये गोल्डन में ये बीच में फ्लावर ये गोल्डन कलर का थोड़ा गोल्डन कलर की शेड देता है, और साथ में हमने ये चॉकलेट कलर में लगाया, इसी के साथ इसका कंट्रास्ट है, तो ये एक लाइट है और ये एक डार्क है। तो गाइस हमने ये कलर इसलिए लगाया, ऐसे कलर तो बड़े सारे थे उनके पास, बट ये कलर हमने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे रूम में ऑलरेडी ये चॉकलेट कलर का मतलब ये बेड लगा हुआ है, कॉफी कलर का बेड लगा हुआ है आपको दिखा रहा हूँ, और साथ में ये अलमारा भी बना हुआ है, तो इसी के साथ हमने कंट्रास्ट इसका लगा, क्योंकि ये
और ये सेम कलर के हो गए, तो साथ में गोल्डन इसलिए लगाया कि इनका कंट्रास्ट अच्छे से लगे। तो गाइस ये मैं आपको पूरा रूम का व्यू दिखाता हूँ पहले पीछे से। तो गाइस ये कुछ ऐसा रूम का व्यू है, तो वो ऊपर में एक डिजाइन बनाया ये दिखाता हूँ गाइस। ये पिलर बनाए हैं तो इसमें ब्लू ग्रीन रेड लाइट लगाई है, तो ये रात को बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके बाद ये मैं आपको पीछे से पूरा दिखा देता हूँ एक बार। तो ये पहले एक कलर लगाया पूरा ये गोल्डन और साथ में चॉकलेट। तो हमने इधर दीवार में क्या किया, तो इधर दीवार में हमने एक लाइन चॉकलेट की, एक लाइन हमने गोल्डन की लगा दिया। तो गाइस हम मेरे रूम में दो कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो हमारा सिंपल सा हो गया, एक तो हमारा ये हो गया, मतलब सिंपल ये एक दीवार, ये एक दीवार दो, तो इधर हमने कंट्रास्ट कर दिया। तो गाइस ये भी देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये दोनों दीवार हमने कंट्रास्ट में कर दी है एक एक लाइन। तो गाइस ये थी हमारी पैनलिंग, कुछ ऐसा लग रहा है मेरा रूम। मैं आपको पूरा बेडरूम दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा बेडरूम लग रहा है मेरा। तो गाइस इस रूम में हमने सीलिंग नहीं करवाई, ओनली पैनलिंग करवाई है। तो दीवार को होती है वो पैनलिंग होती है, तो सीलिंग क्यों नहीं करवाई, क्योंकि वो ऑलरेडी पीओपी वगैरह पुट्टी हुई हुई थी। तो क्योंकि गेस्ट रूम में हमने सीलिंग करवाई थी, लॉबी में भी सीलिंग करवाएंगे, तो यहाँ पे नहीं करवाने दी मम्मा ने, क्योंकि यहाँ पे पुट्टी और पीओपी ऑलरेडी बहुत अच्छी हुई है। बट फिर भी भैया उन्होंने ये फुल मेरे को वो डिजाइन थोड़ा सा डिजाइन डाल दी छत पे, तो इसके अंदर भी लाइट लगी है। तो गाइस इस टाइम लाइट नहीं है, तो मैं आपको दिखाता लाइट, तो मैं आपको पूरा एक बार फिर से पूरा रूम का व्यू दिखा देता हूँ अपने बेडरूम का। तो ये इसी के साथ पूरा मैचिंग हो गया अलमारा के साथ, ये मेरा रूम। ये देखो मैं आपको पूरा एक बार लास्ट बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ रूम का। तो गाइस जबरदस्त रूम, आई होप आपको रूम पसंद आया होगा, डिजाइन भी पसंद आया होगा, मतलब जो पैनलिंग कलर लगाया है तो उसी के साथ मैच हो गया मेरा रूम पूरा, अच्छा लग रहा है पहले से बड़ा ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है गाइस मिलते हैं, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब बारी हमारी लॉबी की है, तो लॉबी का जब काम स्टार्ट होता है फिर आपको साथ साथ में पूरा दिखाते हैं। तो ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।